हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों वेदांता के अंदर से एक पहले रिक्रूटमेंट आई थी जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था। दोस्तों उसमें से 90% स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया था, जो कि मैं वीडियो लाया था आज से एक या डेढ़ महीना, एक महीना तो नहीं हुआ होगा, आई थिंक 20 to 25 डेज बिफोर। उसकी वैकेंसी अभी भी लाइव है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे थी। उसका जो आप जाके वीडियो सेक्शन में देखेंगे 2 वीक्स बिफोर की कोई वीडियो होगी, वहाँ वेदांता इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट थी, वहाँ सभी का सिलेक्शन हुआ था मैक्सिमम बंदों का। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था या फिर अप्लाई करके छोड़ दिया था, तो उन्होंने शायद मेरे को दोबारा अपना नोटिफिकेशन या मेल वेल चेक नहीं की होगी। अगर आपने ऐसा है तो आप जाके चेक जरूर कर लीजिए। दोस्तों उसी को देखते हुए मुझे पता है कि वेदांता एक बहुत बड़ा ग्रुप है। एक चीज़ याद रख लीजिएगा, चाहे वेदांता हो, टाटा हो, L&T हो, कोई भी कंपनी हो, वो कभी भी आपसे जॉब के अगेंस्ट में पैसों की डिमांड नहीं करती है। मैंने बहुत बंदों से सुना है, अरे वो पैसे मांग रहे हैं। भैया अगर आपसे कोई भी पैसे मांगता है तो वो आपको जॉब नहीं देगा, और कभी भी कोई कंपनी पैसे नहीं मांगती है। ये जो मांगते हैं वो बिचौलिया होते हैं और वो फ्रॉड करते हैं। तो रिक्वेस्ट टू everyone, पैसा कभी किसी को मत दीजिएगा। और ये चैनल भी कभी किसी का सपोर्ट नहीं करता कि कोई कंपनी पैसा दे या कोई कंपनी पैसा मांगती है। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम इनके ऑफिशियल पेज पे। यहाँ वेदांता ऑफिशियल कैरियर पेज पे जब आए, तो वेदांता जो है उड़ीसा और ये जो वेस्ट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेवल पे वर्क करता है, ईस्ट में वेस्ट में। इंडिया की ग्लोबलाइज, इंडिया की बैकबोन माने जाने वाली कंपनियों में से एक है। दोस्तों यहाँ वैकेंसी बहुत सारी निकल रही हैं, यहाँ फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसी है, एक्सपीरियंस के लिए भी है, लेकिन मैं बात ऑलवेज फ्रेशर की करता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस वालों के लिए ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं। तो मैं जब फ्रेशर वालों की बात करता हूँ तो फ्रेशर में मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ डिप्लोमा, बीटेक, ITI और ग्रेजुएशन लेवल की बात होती है। तो सभी स्टूडेंट से इतनी ज़रूर है कि अगर मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ तो आप कुछ चीज़ें मेरी मान लीजिए। वो क्या माननी है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप जो है नोटिफिकेशन अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो कर लें, ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। दोस्तों ये वैकेंसी आप देखेंगे, 2-3 वैकेंसी टीम मेंबर, टीम मेंबर, टीम मेंबर, कुछ वैकेंसी फाइनेंस में आ रही है, और एक वैकेंसी जो बहुत अच्छी है जिसमें ऑल इंजीनियर्स एलिजिबल हैं, MIS कंट्रोलर। देखिए डिप्लोमा और बीटेक MIS कंट्रोलर एंड वेंडर मैनेजमेंट में करें, और दूसरा जो फाइनेंस या फिर एनी ग्रेजुएट वाले हैं वो टीम मेंबर में करें। अब ये MIS कंट्रोलर एंड वेंडर मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए इनके जो है बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, वेंडर मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर्स, तो उनका पूरा मैनेजमेंट रखना, और यहाँ जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को ही हायर किया जाता है। पोस्टिंग कहाँ रहेगी, स्टार्टिंग फेज में अजमेर राजस्थान में पोस्टिंग रहेगी, बाद में आपको जो है पैन इंडिया। अब ये पैन इंडिया का क्या चक्कर है जी, पैन इंडिया का चक्कर है प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, इंडिया के अंदर आपका सिलेक्शन कहीं भी हो सकता है, ये है। इससे और इसमें एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, बिल्कुल फ्रेशर, बिल्कुल फ्रेशर, और एग्जीक्यूटिव आपकी जॉब रहेगी, एग्जीक्यूटिव जॉब रहेगी, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जल्दी से जल्दी आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर दें। बात करते हैं अप्लाई करने की। दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया कि डिप्लोमा बीटेक वाले सभी यहाँ अप्लाई करें, और अप्लाई करने का तरीका जो अप्लाई फॉर दिस जॉब, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, साइन अप या साइन इन। तो दोस्तों जैसे ही आप साइन अप या साइन इन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले ये एक फॉर्मेट ओपन होकर आ जाएगा। अब ये क्या है, रिज्यूम, रिज्यूम मतलब CV, मतलब बायोडाटा। एक बात मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ, आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा शायद मेरी बात सुन के, लेकिन मैं ज़रूर बताऊँगा, यहाँ से 90% बंदों का सिलेक्शन नहीं होगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, अगर ऐसा है तो आप वीडियो ही क्यों ला रहे हैं, मेरा भी वही कहना है। मैंने आप सभी के रिज्यूम, मैंने आप सभी को एक चीज़ बोली थी, भाई मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो, आप सभी अपने CV मेरे को इंस्टा पे भेज दीजिए। जब सब ने भेजे तो मैंने जाना कि सब में एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्या कि वो उनका CV का फॉर्मेट नहीं है, जिस वजह से उनका सिलेक्शन होने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपसे इतनी दरख्वास्त है, इतना ज़रूर मैं बोलूँगा कि भाई जो मैंने एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो रिज्यूम फॉर्मेट से रिलेटेड बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा,
उसको जाके ज़रूर देखें। लिंक प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसी तरीके का कोई CV यहाँ अपलोड करके, नेक्स्ट आ गया आपका नाम। सेचुरेशन में मिस्टर मिसेज या मिसेज जो भी हैं आप, फर्स्ट नेम और कैपिटल में ही मेंशन कीजिएगा, पूरा डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, लोकेशन। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट में अपना कंट्री कोड और जो भी मोबाइल नंबर है, अल्टरनेटिव ये एड्रेस। एड्रेस में एक सिटी का लिखिएगा, नियर बाय सिटी, अगर आप किसी किसी विलेज से बिलोंग करते हैं तो नियर बाय सिटी मेंशन कीजिए। वर्क एक्सपीरियंस में आपका फ्रेशर वाले के लिए है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अच्छा है, तो आप यहाँ टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इसका जॉब। दोस्तों एनी एडिशनल कमेंट ऑन रिलोकेशन, दोस्तों रिलोकेशन के लिए कुछ भी मत कीजिएगा, इस पर लिखिएगा नो सिर्फ। इसके साथ साथ एजुकेशन में, एजुकेशन का ये प्रायरिटी है, एजुकेशन लेवल अपनी सबमिट कर दीजिएगा। बाद मांगा है यहाँ CGPA, तो CGPA अगर आपकी परसेंटेज है तो परसेंटेज को 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, CGPA आ जाएगी। पर्सनल आइडेंटिटी, आधार पैन, और ये आधार पैन ही डालिएगा, SSN नंबर छोड़ दीजिएगा। आधार पैन आज के टाइम में प्राइवेट कंपनियों में मैंडेटरी हो चुका है। पर्सनल आइडेंटिटी में अपनी प्रोफाइल पिक्चर एक डिसेंट सी डाल दीजिएगा, आधार कार्ड भी फ्रंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड बैक ये डाल दीजिएगा। सैलरी पेमेंट, दोस्तों सैलरी पेमेंट ये छोड़ दीजिएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज में लैंग्वेज डाल दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, जैसे कॉमन लैंग्वेज होती है राजस्थान वगैरह में या फिर उड़िया में, तो आपके पास एक से दो लैंग्वेज तो ज़रूर आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश तो कॉमन ही है। उसके अलावा आपके पास एडिशनल कुछ है तो और ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट। उसके बाद क्या कर दीजिएगा, सबमिट। यहाँ से सबमिट करने के बाद आप एक या दो दिन बाद इसके नोटिफिकेशन को ज़रूर चेक कीजिएगा, मेल पे अपडेट रहेगा। होप सो कि रिप्लाई ज़रूर आए और रिवर्ट ज़रूर आए। तो ये थी आपके लिए बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। जिस स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।